अजी अम्मी अजी क्या हुआ तुम्हारे मिगू? अरे अभी तक तो अच्छे थे ना अनु। अरे तुम टेंशन न लो, जो भी होता अच्छे के वास्ते होता। और तुम्हारे अम्मा को रमजान का मुबारक महीना मिला जी, सीधा जन्नत में जाते अनु। मैं तुम्हारे अम्मा को जन्नत मिलती बोल के तो नहीं सोचा था भाई। जी पागल आदमी, काली जुबान नको निकालो तुम। हमारी अम्मी को क्या भी नहीं हुआ, उन्होंने ठीक है। अजी मेरे ईद के कपड़े नहीं दिख रहे, तुम कहीं वो पुराने कपड़ों के साथ मिला के वो औरत को तो नहीं दे दिए ना? अरे वो पीली और लाल कवर के बीच में थे क्या? हाँ। सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। यही चौंधे चित्ते काम आ रहे थे तुम्हारे। हा? एक करो बोले तो एक करते, देख क्या बोले तो फूक के आते। दे दी ना मेरे कपड़े उठा के। हा? उन्हें क्या हमारे अम्मा की सगी बाबा की सगी उठा के देने के वास्ते? अरे क्या मैं हुना बोल के दिया उसको? अरे ऐसा तो नहीं बोलना भाई हमारे को काम। हमारे को बोले तो हम हमारे हिसाब से परफेक्ट काम करते। अजी जाओ जी, लेके आओ जी कपड़े। अरे पागल होगा, नहीं ला सकते। दीदी दीदी बात खत्म कर दिए नुकसान। 1600 को 1000 करने वाले इंसान है तुम। ए कम तालीम भयानक जिंदगी, चुप बैठो। वैसा है तो पुराने कपड़ों में नए कपड़े कहीं को रखे भाई? अलग अलग रखना नहीं मालूम। मैं अलग तापदान में निकाल के रखी थी, तुम कौन से तापदान से निकाले बताओ? अलमारी के बाजू वाले से। कौन सी अलमारी? बड़ी अलमारी के बाजू वाला। कौन सी बड़ी अलमारी? छोटी अलमारी के बाजू वाली। कौन सी छोटी अलमारी? अरे तो जो बड़े कमरे में है। कौन सा बड़ा कमरा? जो छोटे कमरे के बाजू है। कौन सा छोटा कमरा? अरे जो हॉल के बाजू है। अरे कौन सा हॉल? अरे घर में एक ही तो हॉल है ना जी। सीधा सीधा बोलो ना जी, बीच वाला कमरा। तो समझ में नहीं आता। अरे औरतें क्या है, जिलंबी की जैसे सीधे रहते भाई। उन लोगों को सीधा सीधा बोले तो समझ में नहीं आता। अगर उन लोगों को फिरा के बोले, समझो सीधा अलमारी में है बोले तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। क्या है उन लोग जिलेबी की जैसे सीधे है ना, वैसे ही बोलना पड़ता। कावा मिला बेगम? मिले जी। इधर ही छह ना जी, दीवाने आदमी। डर गई थी मैं। अरे तुम्हारे से ज्यादा मैं डर गया था भाई। कहाँ 20-25 हजार फिर से खर्चा करना पड़ेगा बोल के। जान दो जी, मैं अब तुम्हारा खर्चा नहीं करती हूँ। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, ईद मनाने हम अम्मा के घर को जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जाएंगे। कल अम्मा से बात भी तो उन्होंने यही बोल रहे थे, आओ बेटा ईद को घर को बोल के। अच्छी बात है। तुम्हारी बात हुई अम्मा से? हाँ। मेरी अभी बात हुई अम्मा से, पर उन्होंने आओ बोल के ऐसा कुछ नहीं बोले। अरे तुम क्या भाई, बच्चों का जैसा फील हो जा रहे। तुम्हारे को बोलना मेरे को बोलना एक ही बात है भाई। तो क्या है, पहले पैकिंग करो, रोजा खोल के अपन फटाफट चल लेंगे। हाँ मैं अभी अम्मी को कॉल करके बोलती हूँ, हम लोग आज ही चाह रहे बोल के। करो। अजी मेरा फोन वो दूसरे कमरे में है, तुम अपने फोन से मेरी अम्मी को कॉल करो ना। तुम्हारे अम्मी? तुम्हारे अम्मी की बात कर रहे थे? हाँ मेरे अम्मी को। अजी मैं तुम्हारे अम्मी की बात कहीं को करूँ जी? तुम्हारे अम्मी को बहू से क्या लेना देना, बेटे से बात हो गए, कॉल करके बात कर लिए, बहू से क्या, कुछ भी नहीं। अरे तुम फिर से शुरू न को तो भाई, पहले से रोजा रख रहा मैं को। ईद को हमारे अम्मी के घर को जा रहे हैं? नहीं, हमारे अम्मी के घर को जाएंगे। देखो उसूलन देखे तो बहू ससुराल में ईद करना और ईद मिलने मैके को जाना। इन सब उसूलों की ना बत्ती बना के चूल्हे में जला देती हूँ। ईद पे हमारी अम्मी के घर को जा रहे, बात खत्म। ना यहाँ जा रहे ना वहां जा रहे, बस बात इस खत्म। खत्म तो खत्म। ना तुम्हारे अम्मी के घर को जाके ईद मनाती हूँ, ना मेरे अम्मी के घर को जाके ईद मनाती हूँ। ईद क्या जहन्नुम में मनाते? मैं ईद मनाती इच नहीं। अरे अरे नाराज नको हो जाओ भाई, तुम मेरी बात सुनो। ईद के दिन शुक्रमा पी के नमाज पढ़ के पहले हमारे अम्मी घर को जाएंगे, फिर तुम्हारे अम्मी घर। पहले हमारे अम्मी के घर को जाएंगे? ठीक है भाई, पहले तुम्हारे अम्मा घर को जाएंगे बस। देखिए कैसा झुकाई मैं। झुकना पड़ता भाई, होम मिनिस्टर है। हाँ अब ज्यादा फ्री ना को हो जाओ, शीर खुरमा बनाना, उसके लिए सौदा लेके आओ। ठीक है बोल क्या क्या लाना है, बोल। हाँ बोलो। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम चिरौंजी और 100 ग्राम तरबूज खरबूजे के बीजा। अरे नको वही है, तरबूज खरबूज के बीजा नको है, अच्छा नहीं दिखता मेरे। अजी लाओ जी मजा आता। ठीक है। और? और 1 किलो काले खजूर। अरे काले खजूर ना कहीं को भाई, रमजान हो गया ना अब। अजी शीर खुरमा मैं पकाने वाली हूँ, तुम पकाने वाले, जो बोल रही लाओ। ठीक है भाई, और क्या? और क्या? और अरे अजी वो जी वो क्या?
अरे मुंह में आ रहा उसका वो नाम जुबान पे नहीं आ रहा। चिलगुजा। चिलगुजा तुम्हारा भाई कोई को आया था? रे क्या मांगने आया उन्हें? जी तुम होंगे चिलगुजे। मेरे भाई को क्या भी नक्को बोलो, चुपचाप सौदा लिखो तुम। हाँ बोल। और 2 किलो सेवियां, 1 मिल्कमेड का डब्बा, दूध दही गोश्त चांद रात के दिन याद रख लो लाने का है, और हाँ वो बोलना भूल के देखो 2 किलो खवा। 2 किलो खवा वो केगू कहता है अम्मा के घर को भिजाने। हाँ हमारे अम्मा को गत नहीं है तुम्हारे कन से मंगने को वास्ते। तुम्हारे दोस्त एक एक कटोरा शिरखुरमा गटक जाते, उन लोग के वास्ते 2 किलो मंगा रही हूँ। ऐसा बोलो ना बेगम। चलो ठीक है मैं क्या करता हूँ ये ले लेके आता हूँ, तुम जरा घर का साफ ऑफ करके देख लो। राइट। हाँ अजी 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 सुनो जी। चलो चलो जल्दी जाके। अजी अजी सुनो सुनो सुनो। अरे अब क्या सुनना सुनाना है जी। टेलर कन से ना मेरा ब्लाउज लेके आता है। अरे नहीं होता भाई जाओ जबरदस्त काम मेरे से नहीं होते भाई, मेरे को तुम्हारा एक कट गलगल बस नहीं होता। हां वहां दुकान में औरतों का मंदा रहता, उन लोगों का गलगल कैसा बर्दाश्त करना भाई। अजी सुनो जी तुम खाली चिट दे के दूर खड़े रहो, उन लोगों का दे देते सामान। होता ही नहीं भाई, इसके वास्ते बोलता हूं चाकर का मन लगाना एक साथ। अच्छा अच्छा सुनो ये शिरखुरमे का सौदा तुम कल भी ला सकते मगर मेरे को मेरा ब्लाउज आज ही छोना, कुछ तो भी ऑल्टरेशन वगैरह है तो अभी करा ले सकते, नहीं तो मेरी ईद बर्बाद हो जाती। अरे ऐसा कैसा बर्बाद हो जाती बेगम, तुम मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी मगर मैं तुम्हारी ईद बर्बाद होने नहीं देता हूँ। क्या बोले? फ्लो में निकल गया बेगम मुझसे। तुम भी फ्लो में निकलो यहाँ से समझे, नहीं तो मेरे हाथ से गिरदा पहले निकलते। हेलो बेगम एड्रेस क्या बोले जी? अजी वो चमकी वाले खाला है देखो, उन्होंने जो कांच का काम करते देखो। बस 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 समझ गया मैं, वही बुड्ढे ना चबूतरे में बैठ के आ रहे थे जा रहे थे लोगों को गालियां देते थे दात्री बुड्ढी पाना खाते हुए। उसके घर के नीचे हूँ। अरे दिग्गज जी मैं गुटेला। हाँ वही। एक काम करो तुम जो है बस रेडी रहो, तुम फोन रख के था पल्ले देखा मैं ब्लाउज लेके आ रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है ना? अच्छी बात है। ओके आवार हो कितना क्या तू भी समझ के बाहर है नहीं। दिख रही है एक दुकान दिख गई मेरे को इधर। आ गया मैं। हाँ बेगम पहुंच गया मैं पहुंच गया। अरे कहा हुआ शटर बंद है? कहा भाई ताम का इंतजाम है घाटे लड़ता आपने शटर बंद है? 10 दिन हो गया भाई बंद करके भाग गया उन्हें। दुकान बंद करके कपड़े लेके पूरा रेड हो गया यहाँ से। भाई मेरा तो कुछ भी नहीं था भाई, खाली सीवन मारने घर में बोल के ले गया अजाब हो गया भाई, ने तो घर में मेकू मारते बोल रहे खाली मेकू मिलना है नहीं खम्भे पे लटका जा रहा उसको। भाई मैं इनके बातों में आके दिया कपड़े मार जा। अरे बेगम टेलर कपड़े लेगा भाग गया कहते क्या मेरा ब्लाउज। अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल वड़कम। आई होप कि आप लोगों की एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों का हमारा टारगेट भी याद होगा कि इंशाल्लाह ताला रमजान महीना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो प्लीज़ आप लोग आपके दोस्तों से फैमिली वालों से सबसे सब्सक्राइब कराओ और ये वीडियो को वायरल करो। और आप कुछ बोल रहे हैं? यस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हमें बताइए कि हमें कैसा आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, और आप हमको पर्सनली फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड जस्ट बहुत सारा प्यार प्यार प्यार। तो गाइज हमारे रेगुलर पूरा एपिसोड ये सीरीज में आने वाले हैं, तो गाइज आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही जबरदस्त बेहतरीन कंटेंट बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। माइक का है। माइक का है।